वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सक्सेस पाना चाहते हैं, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो था आर्टिकल 370 वो ख़त्म हो गया है। सरकार ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है उसका हम कंपैरिजन करेंगे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में इससे अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है वो एग्जामिनर द्वारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। मैक्सिमम 13 क्वेश्चन बनते हैं, 13-14 क्वेश्चन, जिसमें से एक दो या एक दो एग्जामिनर जो है वो 2019 में आने वाले क्वेश्चन में पक्का पूछने वाला है पेपर में एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें J&K से तो आर्टिकल 370 जो पहले लागू होता था अभी वो ख़त्म कर दिया गया है और ये ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया है। NDA सरकार ने भारत संविधान के अनुच्छेद 370 खंड ए को छोड़ के जो था जो 370 था वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है और अब जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसमें जो है वो दिल्ली और पांडुचेरी जैसे विधानसभाएं होंगी। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख का आपको जो है वो दिख रहा होगा मैप में नीचे, ये लद्दाख हो गया और ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो आर्टिकल 370 को हटाने से कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए उसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो केंद्र से शासित प्रदेश की बात करें तो अभी 7 पहले थे, अभी 9 हो गए हैं और पहले राज्य 29 थे, अभी 28 हो गए हैं। और केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान से जुड़े आर्टिकल 370 को हटाने की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है और जो जम्मू एंड कश्मीर को कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी रियायतें जो थी वो दी गई थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई हैं और अभी प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय संविधान में उल्लिखित कानून को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा या होगा। और अभी विशेष विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं कि 370 आर्टिकल 370 में पहले जम्मू कश्मीर को क्या क्या प्रावधान क्या क्या प्रावधान थे और अब क्या प्रावधान होंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट है राज्य में जो है वो संवैधानिक स्थिति, राज्य की वैधानिक स्थिति, पहले विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था और अभी केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा के सदस्य पहले 87 थे और अभी 83। और विधानसभा का कार्यकाल पहले था 6 साल का और अब हो गया 5 साल का। तो एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, इनमें से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर एग्जाम में पुट कर सकता है। SC ST अल्पसंख्यक समुदाय को जो था वो पहले आरक्षण नहीं था और अब नौकरियों और एडमिशन में जो है वो J&K के SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय को जो है वो आरक्षण मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर की नागरिकता की बात की जाए तो दोहरी नागरिकता जो थी वो पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों को प्राप्त थी, भारत की अलग से और जम्मू कश्मीर की अलग से। अब जो है वो एकल नागरिकता इनको दे दी गई है केवल भारत की। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो इनके पास 2 ध्वज थे, जो कश्मीर का अलग से था और भारत का अलग से, और अब चेंज होने के बाद सिर्फ भारत का ही ध्वज वहाँ फहराया जाएगा। सूचना का अधिकार पहले लागू नहीं होता था और अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। राष्ट्रपति शासन, पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता था, पहले राज्यपाल
का शासन जो था वो लागू होता था, और अब चेंज होने के बाद राष्ट्रपति शासन जो है लगना शुरू हो जाएगा। और इसके 9th इफेक्ट की बात करें तो संविधान जो था वो जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था आर्टिकल 370 के अंडर, अभी चेंज होने के बाद जो था जो है कश्मीर सहित पूरे भारत का संविधान जो है, जो भारत के लिए लागू होगा संविधान वही अभी जम्मू कश्मीर के लिए भी अप्लाई होगा। J&K में राष्ट्रीय प्रतीक की बेइज्जती करना कानूनी अपराध नहीं था आर्टिकल 370 के अंडर, लेकिन अब ऐसा जो जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब ऐसा करने पर जो है वो अपराध माना जाएगा। J&K में देश के सभी नागरिकों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, और अब जो है आप J&K में जमीन खरीद सकते हैं आर्टिकल 370 में चेंज होने के बाद। और इसका 12वां इफेक्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो 7 थी, अभी 9 हो गई है। भारत के राज्यों की संख्या पहले संख्या 29 थी और अभी 28 हो गई है। केंद्र सरकार ने जो है वो 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला तो ले लिया, और राज्यों की संख्या और इसकी केंद्र शासित संख्या का आपको पता होना जरूरी है। और इन परिवर्तनों से जो है वो राजनीतिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इस प्रदेश का विकास का शायद अभी कुछ नए आयाम मिलेंगे। लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन के नए अवसर तैयार होंगे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और अगर दोबारा से रिपीट करें हम तुलनात्मक आधार या कंपैरिजन, तो इसमें तीन चार क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं जो एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। राज्य का संवैधानिक स्थिति पहले विशेष दर्जा था और अभी विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया है। पहले विधानसभा सदस्यों की संख्या 87 थी, अभी 83 हो गई है। पहले विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष था और अभी 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले आरक्षण नहीं मिलता था SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय को, अभी नौकरी और एडमिशन में जो है वो आरक्षण मिलने वाला है जम्मू कश्मीर के SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय को। पहले दोहरी नागरिकता थी और अभी एकल नागरिकता जो है जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेगी। राष्ट्रीय ध्वज पहले दो थे और अभी केवल भारत का ही ध्वज का जम्मू कश्मीर में लहराया जाएगा, लद्दाख में भी। सूचना का अधिकार पहले लागू नहीं था और अब पूरे भारत में जो है वो लागू होगा, जो पहले भारत में था अब जम्मू कश्मीर में भी सूचना का अधिकार हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति शासन जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, पहले राज्यपाल का शासन लगता था और अब राष्ट्रपति शासन लगना शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पास दो संविधान थे, जम्मू कश्मीर का अलग से था, भारत का अलग से था, तो अभी जम्मू कश्मीर में पूरे भारत का केवल एक ही संविधान होगा। जम्मू कश्मीर में जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज की जो है राष्ट्रीय प्रतीक की जो है बेइज्जती करना अपराध नहीं था और अब अपराध माना जाएगा। पहले हम भारत का कोई विशेष नागरिक ही जम्मू कश्मीर में जो थे जमीन परचेज खरीद सकते थे, अभी उस टाइम अभी खरीद नहीं सकते थे, अब आप जो है वो खरीद सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 पहले थी, अभी 9 हो गई है, और राज्यों की संख्या 29 से 28 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश नए बनाए गए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 9, भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 28। और एक ये भी पूछ सकते हैं, विधानसभा का कार्यकाल जम्मू कश्मीर का पहले 6 था, अभी 5 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या पहले 87 थी, अभी 83 हो गई है। और राज्य की विधानिक स्थिति जो थी, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन भारत का कौन सा राज्य था जिसे राज्य की वैधानिक स्थिति में विशेष दर्जा प्राप्त था, तो जम्मू कश्मीर, और अभी तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसी के साथ ही ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।
तो जय हिंद जय भारत। साथ में ये आर्टिकल आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सक्सेस पाना चाहते हैं .com पे भी मिल जाएगा। अगर आप में आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है सुनने में या समझने में, तो आप वहाँ जाके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके जो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।